डीएनए में अब हम दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बिटकॉइन का विश्लेषण करेंगे। आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब 6,38,000 रुपए हो चुकी है। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि वो कौन सी करेंसी है जो इतनी महंगी है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि काश वक्त रहते बिटकॉइन खरीद लिया होता, काश बिटकॉइन पहले ले लिया होता। लेकिन ऐसे लोगों को आज हम सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी होने के साथ साथ सबसे खतरनाक करेंसी भी बन गई है। बिटकॉइन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या खतरे हैं, ये भी हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। आज से करीब 13 महीने पहले 28 अक्टूबर 2016 को हमने पहली बार डीएनए में आपको बिटकॉइन के बारे में विस्तार से बताया था। उस वक्त हमने बहुत साधारण भाषा में, सरल भाषा में आपको इस करेंसी के बारे में जानकारी दी थी और तब एक बिटकॉइन की कीमत 45,000 रुपए थी। लेकिन सिर्फ 13 महीनों के अंदर ही बिटकॉइन की कीमत करीब 14 गुना बढ़ चुकी है। दो दिन पहले एक बिटकॉइन 10,000 अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब करीब 6,45,000 रुपए का था, लेकिन सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही बिटकॉइन की कीमत में 10% का इजाफा और हो गया और एक बिटकॉइन 11,370 डॉलर का हो गया। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही बिटकॉइन की कीमत 18% गिरकर 9,992 अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गई। अगर किसी ने सन 2010 में यानी आज से 7 साल पहले सिर्फ 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होंगे तो आज उनकी कीमत करीब 2,30,00,000 रुपए होगी। यानी आपके 100 रुपए 2010 के 100 रुपए अब 2,30,00,000 रुपए बन चुके होंगे अगर आपने बिटकॉइन में निवेश किया होता। अब सवाल यह है कि बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कोई भी रकम भेज सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। यानी आप जो पैसा किसी को भेजना चाहते हैं उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और आप में से भी ज्यादातर लोग यही करते होंगे। बैंक्स के जरिए हम अपने इंटरेक्शंस करते हैं। यहां तक कि किसी देश में कितनी करेंसी का सर्कुलेशन होगा ये भी बैंक और वहां की सरकारें तय करती हैं। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी भी एजेंसी या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे दो लोगों के बीच होता है। ये लेन देन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए आप इसे सुरक्षित कह सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले अपराधियों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। बिटकॉइन की शुरुआत आज से 8 साल पहले 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोतो नाम के एक प्रोग्रामर ने की थी। लेकिन सतोशी नाकामोतो नाम का ये प्रोग्रामर कौन है ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग सतोशी नाकामोतो होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन बनाने वाले व्यक्ति के बारे में आज भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। किसी ने उसे देखा नहीं है, कोई उसे मिला नहीं है। इस रहस्य की वजह से बिटकॉइन की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते हैं। बिटकॉइन की शुरुआत ये साबित करने के लिए हुई थी कि बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद के, बिना किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस के आर्थिक लेन देन किया जा सकता है। लेन देन का ये तरीका चलन में लाने के लिए सरकारों और तमाम आर्थिक एजेंसियों को और बैंक्स को रास्ते से हटा दिया गया। यानी आर्थिक लेन देन सीधे दो लोगों के बीच होने लगा और ये गुप्त लेन देन होता है। इससे अपराधियों की नजर में बिटकॉइन का महत्व बहुत बढ़ गया और अपराधी इसे इस्तेमाल करने लगे। 22 मई 2010 को पहली बार एक पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन देने की पेशकश की गई थी। यानी तब यानी 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत 10 सेंट से भी कम थी।
लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत 1,00,000 गुना बढ़ चुकी है। बिटकॉइन के प्रचलन में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने की कोशिश करने लगे और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती चली गई। लोग इसमें निवेश करने लगे, लेकिन इसके बावजूद इस करेंसी के बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं। बिटकॉइन में निवेश करना एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बिटकॉइन को रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी, कोई सरकार, कोई बैंक नहीं है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटीज हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसे रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में अथॉरिटीज हैं। आप अपनी शिकायत लेकर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। अगर आप बैंक के जरिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और बीच में आपकी रकम कहीं खो जाती है या कोई और धोखाधड़ी होती है तो आप बैंक से सवाल पूछ सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी, आप अदालत में जा सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के मामले में अगर कोई भी विवाद या गड़बड़ी हो जाए तो आपका पैसा कभी वापस नहीं आएगा और डूब जाएगा और आप किसी से शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। लालच में आकर अगर आपने बिटकॉइन में ज्यादा निवेश किया है तो हो सकता है कि आपके जीवन भर की जमा पूंजी कभी आगे चलकर डूब जाए और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। बहुत सारे देशों ने बिटकॉइन को मान्यता नहीं दी है, यानी सरकारों ने इस करेंसी को अप्रूव नहीं किया है। ऐसे में अगर बिटकॉइन के जरिए कोई धोखाधड़ी हो जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि इस करेंसी की कोई जवाबदेही नहीं है। ये ऐसी करेंसी है जो आप ये भी नहीं जानते जिसके बारे में कि ये करेंसी बनाने वाला है कौन। दुनिया भर के अपराधी इसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बिटकॉइन अपराध को भी काफी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि इससे अपराधियों के लिए गैर कानूनी काम करने और ज्यादा आसान हो जाएंगे। बिटकॉइन के साथ एक और खतरा यह भी है कि इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ रही है और तेजी से ही कम भी हो रही है। हम आपको बता चुके, कुछ घंटों के अंदर ही एक बिटकॉइन की कीमत 11,370 अमेरिकी डॉलर से घटकर 9,292 अमेरिकी डॉलर्स हो गई। इसका सीधा सा मतलब है कि बिटकॉइन एक अस्थिर करेंसी है और ये स्टेबल नहीं है, और पूरी दुनिया को इससे सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खून पसीने की कमाई जरा से लालच में बर्बाद हो जाए। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें बिटकॉइन को लेकर अपने कई सवाल भेजे थे, और हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि उन्हें बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो तमाम तरह की खबरें अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, और खबरें पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो निवेश का एक बेहतरीन मौका छोड़ रहे हैं, उससे चूक रहे हैं। और इसीलिए हमने अपने इन सभी दर्शकों के लिए ये खास विश्लेषण आप आज तैयार किया है। आप इस विश्लेषण को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और फिर तय कीजिए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और एक सॉफ्टवेयर है। बिटकॉइन इंटरनेट की दुनिया से जुड़े कंप्यूटर्स के जरिए पेमेंट का नया तरीका है। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो ने किया था। लेकिन आज दुनिया भर के हजारों प्रोग्रामर बिटकॉइन के फीचर्स को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना रहे हैं। जब हम सामान्य तौर पर साधारण करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी देखरेख का जिम्मा बैंक का होता है, यानी पैसा कहां से चलकर किसके पास पहुंचा इसका पूरा रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखते हैं, और इसके बदले में बैंक फीस के रूप में अच्छी खासी रकम वसूलते हैं। और बिटकॉइन पैसों के लेन देन के बीच से बैंक और मिडिलमैन को हटाकर इसे ज्यादा तेज और सुरक्षित बना देता है। अब सवाल यह है कि एक डिजिटल करेंसी के साथ तो काफी छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर फिल्मों की तरह इसकी पायरेसी भी हो सकती है, तो इसका जवाब है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सतोशी नाकामोतो के आविष्कार की खासियत यह है कि बिटकॉइन आम लोगों के बीच बटे ब्लॉकचेन में भेजा जाता है। जैसे बैंक आपके पैसे का हिसाब प्लस और माइनस में रखते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में हर एक बिटकॉइन का हिसाब रखा जाता है, यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का हिसाब हमेशा ब्लॉकचेन में मौजूद रहता है। और इस ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखने वाले लोगों को भी लेन देन पर नजर रखने के लिए और ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखने के लिए इनाम के तौर पर बिटकॉइंस दिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस बिटकॉइन के निर्माता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जिस बिटकॉइन को चलाने वाले लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो डिजिटल करेंसी आखिर काम कैसे करती है और बिटकॉइंस निकलते कहां से हैं?
तो आपको बता दें कि बिटकॉइंस का आदान प्रदान पीयर टू पीयर तकनीक से होता है, यानी ये रकम एक कंप्यूटर से सीधे दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। लेकिन इस लेन देन को सुरक्षित बनाते हैं वो हजारों लोग जो अपने ताकतवर कंप्यूटर्स की मदद से इन ट्रांजैक्शंस पर नजर रखते हैं और इनकी जांच करते हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसा सफलतापूर्वक कर लेता है उसे इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइंस दिए जाते हैं। इसे बिटकॉइन की माइनिंग कहा जाता है। दरअसल कोड लैंग्वेज में होने वाले इस आदान प्रदान को वेरीफाई करने वाले हजारों लोग इस प्रक्रिया में बैंक के क्लर्क की तरह काम करते हैं। इन्हें माइनर्स कहा जाता है। ये लोग ट्रांजैक्शंस पर नजर रखते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इन माइनर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल करनी होती है, और जो माइनर जितनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में बिटकॉइंस भी मिलते हैं, और इस तरह से बिटकॉइंस डिजिटल बाजार में आ जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था का निर्माण इस तरह से किया गया है कि एक निश्चित समय के बाद बिटकॉइंस की संख्या घटकर आधी रह जाती है। शुरुआत में एक ब्लॉक से 50 बिटकॉइंस निकला करते थे। प्रति ब्लॉक बिटकॉइंस की संख्या हर 4 साल में घटकर आधी रह जाती है। इसलिए आज से 125 वर्षों के बाद यानी सन 2140 तक नए बिटकॉइंस का निर्माण बंद हो जाए। गणना के हिसाब से तब तक दुनिया में कुल 2,10,00,000 बिटकॉइंस आ चुके होंगे। बिटकॉइन भविष्य की करेंसी है और भविष्य में खत्म ही हो जाएगी, इसलिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदने की होड़ मची हुई है। असीमित पैसा घोटालों को जन्म देता है, स्कैम्स को जन्म देता है और आर्थिक मंदी की वजह भी बनता है। किसी को नहीं पता कि इस वक्त दुनिया में कितने डॉलर्स हैं, लेकिन अगले 125 वर्षों के दौरान बनने वाले बिटकॉइंस की संख्या अभी से निर्धारित है। बैंक कई ऐसे लोगों को पैसे भी उधार देता है जिनका इरादा ये पैसे वापस करने का नहीं होता। ये लोग या तो खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं या देश छोड़कर चले जाते हैं, और इसका खामियाजा भी आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन डिजिटल करेंसी पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ये एक ऐसी कंप्यूटर कोडिंग है जिसके साथ घोटाला भी नहीं किया जा सकता। ये सामान्य करेंसी के पैरेलल काम करने वाली करेंसी है जिसका इस्तेमाल दुनिया में हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के हजारों कंपनियां अब पेमेंट के लिए बिटकॉइन को स्वीकार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगर आपको अब भी ये समझ में ना आया हो तो हम आपको एक उदाहरण की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस महीने भारी मात्रा में गोल्ड यानी सोने की खुदाई की गई और उसे सामान्य कीमत पर लोगों में बांट दिया गया, लेकिन अगले महीने सोने की खुदाई आधी रह गई जबकि खरीदने वाले लोगों की संख्या पहले जैसी ही है, तो ऐसे में सोने की कीमत बढ़ जाएगी। और अगर हर महीने ऐसा होता रहे तो सोचिए सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी कितनी बढ़ जाएगी। बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही काम करती है। लोगों को पता है कि बिटकॉइंस की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। ये डिमांड एंड सप्लाई का सामान्य सा फॉर्मूला है। सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए कुछ ही वर्षों में बिटकॉइन की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हमें लगता है कि बिटकॉइन की व्यवस्था पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये व्यवस्था डूब गई तो आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन को भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने अब तक कानूनी मान्यता नहीं दी है। ये विश्लेषण हमने आपको जागरूक बनाने के लिए किया। बहुत सारे लोग कम समय में बिना मेहनत किए ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि आप बिना रिसर्च के ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। डीएनए में अब एक ब्रेक का समय है और इस ब्रेक के बाद